तो भाइयों आज अपन मतलब वैगन आर का चिट्ठा खोलने वाले, ठीक है। तो भाई ये है 1997 से 2000 वाला मॉडल जो कि 3,26,000 का है, ठीक है। तो भाई आप पहले तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, और वैसे मैं यूट्यूब पर भाई पुराना ही हूँ, सब्सक्राइबर पर मत जाना, ठीक है, आवाज़ पर जाओ मेरी, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर पुराना ही हूँ, हालांकि सब्सक्राइबर थोड़े कम है, कोई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई ये है 2000 से 2003 वाला मॉडल, ठीक है। तो देख ही सकते हो इसमें थोड़ी सी प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है, 3,29,000 हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, उस टाइम के लिए ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये वाला मॉडल इतना नहीं चला है, ठीक है। इसके बाद जो 2010 वाला आ रहा है भाई, इसने मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसको ग्रोथ बढ़ाई है, ठीक है। स्विफ्ट डिज़ायर ने तो बढ़ाई है और स्विफ्ट ने भी बढ़ाई है, पर वैगन आर जो कि एक काफ़ी तगड़े वाली कार है, ठीक है। तो 3,46,000 इसकी कीमत हो चुकी थी और ये 2003 से 2010 तक की चली थी भाई, ये काफ़ी चली है और हमने भी इसको 2 साल चलाया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। 100 किलोमीटर तक की आराम से खींच जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद भाई आने वाली है वैगन आर जो कि 2010 से 2018 तक का मॉडल है और 4,56,000 की है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की मांग रही है और क्या बताओ भाई, सबसे ज़्यादा यही चली हुई है, ठीक है। अभी जो नई आई है वो भी इतनी नहीं चली है। और हाँ भैया, शायद आपने बहुत कम देखी होगी, एक वैगनार VXi प्लस मॉडल है ये भाई, ये काफ़ी तगड़ा लगता है भाई। ये मेरी चाहत थी कि उस टाइम पर हम ले, पर भाई सबके बस की नहीं होती है लेनी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ये भी 2013 से 2018 तक के बीच में रही, ठीक है। तो वो 2010 से 2018 के बीच में, तो ये 2013 से आई है और अब तो जो वैगनार चल रही है आप तो सगी जानते हो भाई, ये माइलेज के मामले में भाई सबकी बाप है भाई। CNG में 35 प्लस एवरेज दे रही है यार, मतलब 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज, भाई सोच ही सकते हो। और 5,26,000 शुरुआती कीमत है भाई, तो लाइक